अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि आप या तो मेरी रील के ऊपर से आए हैं या फिर आप यू नो ऐसे ही आप ये वीडियो को आप देख रहे हैं, तो जी हाँ, अब यू नो रील में हमने जो देखा शॉर्ट वीडियो था उसमें से हमने यहाँ पर देखना है कि डिटेल में क्या बात बताई जा रही है, ठीक है। लेट मी जस्ट अगेन शेयर विद यू वो चार कौन से ऑप्शंस हैं, ताकि मुझे आपको क्लियरली बता मैं आपको क्लियरली बता सकूँ क्या एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस की हम बात कर रहे थे, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4, ये अगलीएस्ट ट्रुथ, कौन सी बहुत ही ख़राब वाली ट्रुथ है, कौन से ख़राब वाला एक सच्चाई है कि जो ये व्यक्ति आपसे छुपा रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली अगलीएस्ट ट्रुथ, सबसे पहला ऑप्शन अगर आपने सिलेक्ट किया है, तो ये ऑप्शन बता रहा था कि ये जो कार्ड है, यू नो ये जो व्यक्ति है, ये किसी से पैसे लेते हैं, उधार लेते हैं और वापस नहीं देते, के पैसे मांगते हैं और यू नो लेकर रखते हैं, या फिर पैसे चोरी छुपे भी ले लेते हैं, ओके। तो ये वाला एक बुरा कर्म है कि जो यू नो इनका इनकी एक सच्चाई है कि जो शायद आपको नहीं पता है। अब ये ऐसे क्यों हैं, राइट? अगर हम किसी का कोई ख़राब गुण देख रहे हैं तो उसका रीज़न भी हमें पता होना चाहिए। तो ये ऐसे इसीलिए है बिकॉज यू नो ये पैसे जब किसी के पास ये मांगते हैं, तो ये उस पैसों का यू नो मतलब दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि यू नो मतलब महंगी महंगी चीज़ें, जैसे कि कोई ब्रांड के कुछ चीज़ें ले लेते हैं, ब्रांड के कुछ गहने ले लेते हैं कि जो उनको दिखाने का मन करता है। तो इसीलिए वो पैसे लोगों से लेते हैं, लोगों से चुरा लेते हैं, या फिर जब कोई नहीं होता है तब यू नो निकाल लेते हैं पर्स में से। तो दिस इज़ द ट्रुथ। अब यू नो हम यू नो यूजुअली ओरेकल कार्ड्स भी देखते हैं, बिकॉज अगर टैरो से हमें सच्चाई पता चल गई, सच्चाई तो पता चल गई, लेकिन यू नो जो भी रीज़न है स्पिरिचुअली, जो अगर आप किसी का कुछ गलत आपके गुण देख रहे हैं, किसी के गुण अगर आप देख रहे हैं गलत, तो वहाँ पर आपके पास थोड़ा स्पिरिचुअल इंसाइट होना चाहिए, कुछ ऐसा पावर होना चाहिए आपके अंदर कि जो भी हो रहा है आप उसको स्वीकार सकें, आप उसको पचा सकें अपने अंदर, राइट? तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो हो रहा है, सबसे पहले आपको कैसे डील करना है इस व्यक्ति के साथ। तो ये कार्ड बताता है यू नीड टू हैव पेशेंस, आपको धीरज रखने की ज़रूरत है। अब धीरज क्यों रखना है? अब यू नो किसी का ऐसा बिहेवियर है, किसी का ऐसा बर्ताव है कि जो शायद आपने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप उनसे ऐसी आशा नहीं रखते थे, लेकिन ऐसा उनका बिहेवियर निकला है, ऐसा उनका स्वभाव निकला है। लेकिन सी, अगर कोई व्यक्ति आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप एकदम से उनके साथ नाता नहीं तोड़ेंगे, राइट? ये व्यक्ति अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ पर डेफिनेटली आप उनको समझना चाहेंगे कैसे उनके साथ डील करना है, क्या करना है कि जिससे इस व्यक्ति को आप सुधार सकें। तो ये उसके लिए यहाँ पर हम ये कार्ड लेकर आए हैं। अब सबसे पहले यू नो जस्ट बिकॉज ये किसी दूसरे व्यक्ति का रीडिंग है, तो आपको उनके साथ बहुत ज़्यादा सावधानी से डील करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ थर्ड पर्सन, राइट? आप अपने आप को सुधार सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को सुधार नहीं सकते। तो ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर आप बिल्कुल सावधानी से यू नो ये चीज़ सुनते हैं, अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप उस व्यक्ति में बदलाव ला सकते हैं। अब यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा दया भाव से और यू नो धीरज से इस परिस्थिति के साथ डील करना है। दया भाव के साथ क्यों? आप कहेंगे अरे इनके तो ऐसे ख़राब यू नो इनका तो चाल चलन है, कैसे उनके साथ दया रखे। सी, सबसे पहले अगर वो व्यक्ति ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो बचपन में उनको सिखाया नहीं गया था। सी, आजकल मैं ये चीज़ देखती हूँ यू नो कि पेरेंट्स जो होते हैं, जब छोटे बच्चे को बहुत अच्छे से बिहेवियर कैसा करना है क्या नहीं करना है उसके लिए ट्रेन करते हैं, बट कुछ बड़े ऐसे होते हैं जो मैंने देखा यू नो अपने बच्चे को चेक नहीं करते। बच्चे ने कहीं पर जाकर कोई चीज़ उठा ली और माँ बाप यू नो कुछ बोलते नहीं है कि बेटा ऐसे नहीं उठाते, ओके। तो जिस बच्चे को अच्छी तरह से संस्कार नहीं मिले हैं बचपन में, वो बच्चा यू नो ऐसे कर्म कर सकता है बड़े होकर। तो यू नो जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका बचपन की जो परवरिश है वो बहुत ज़्यादा यू नो यहाँ पर काम लगती है, यहाँ पर यू नो रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये दूसरा कार्ड हमें बताता है कि डेमोन्स्ट्रेट लव, ओके। अब फाइंड आउट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। अब आपको जानना है कि इस व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है, उनको क्या पसंद है। जैसे इनको अगर फिल्में देखना पसंद है, इनको अगर
अगर घूमना घूमने जाना पसंद है तो उनको वो चीज़ दो, ओके। जैसे आप उनको मूवीज़ देखना पसंद है तो आप उनको मूवी देखने के लिए लेकर जाते हैं, बट उसी शर्त पर कि वो अपना वो वाला बिहेवियर वापस नहीं दोहराएंगे, ओके। अब ये हो सकता है कि यू नो जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाए तो उनके लिए ये मतलब एक मूवी मतलब और ज़िंदगी भर का ये संस्कार एक्सेप्ट करना शायद डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो आप उनको कोई लाइफ टाइम का लालच दे सकते हैं, राइट, कि अगर आप यू नो अच्छे से ये वाला जो व्यवहार है वापस नहीं दोहराएंगे तो हम आपको हर साल यू नो अब्रॉड ट्रिप पर ले जाएंगे, हम आपको हर साल यू नो कुछ बहुत ही महंगी चीज़ गिफ्ट में देंगे, तो ये आप उनसे यू नो उनसे आप यू नो ये प्रॉमिस ले सकते हैं। तो जी हाँ, तो ये थे आपके लिए वीडियो, आशा करती हूँ यू नो ये वीडियो आपकी मदद करेगा। ज़रूर कोशिश कीजिए यू नो, अगर आप दिल से आप बहुत ही ज़्यादा सच्चे हैं और बिल्कुल सच्चे दिल से आप प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली यू नो उस व्यक्ति के व्यवहार में आप फ़र्क देख सकेंगे, ये जो उपाय मैंने आपको दिया है उसके बाद। सो येस, अब यू नो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ज़रूर आपको इनवाइट करना चाहूँगी, मेरा टैरो कार्ड का कोर्स हो रहा है, मेरा टैरो मास्टरी कोर्स है कि जो बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। आज तक इतने ज़्यादा लोगों ने मुझे बताया कि मैडम हम दूसरों के पास 4-5 कोर्सेज करें और आपका ये एक कोर्स में सारा नॉलेज आपने दिया है, सो उतना पावरफुल है ये कोर्स, आपको ज़्यादा कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक ही ये कोर्स मेरा टैरो मास्टरी का कोर्स आप करेंगे और उससे ज़्यादा आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो एक कोर्स आप कर लीजिए। दूसरा क्लास जो मेरे साथ हो रहा है वो है यहाँ पर मेरा ओरैकल कार्ड रीडिंग का क्लास हो रहा है, तो ओरैकल कार्ड्स यू नो एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, टैरो हमें सच्चाई बताता है, टैरो हमें बिल्कुल एक्यूरेटली सब कुछ बताता है, बट आध्यात्मिक तौर पर यू नो आप जो भी सच्चाई जो भी हो रहा है उसे स्वीकारने के लिए उसको कैसे डील करना है उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ओरैकल कार्ड्स है। तो टैरो और ओरैकल दोनों के क्लासेस इस महीने हो रहे हैं, तो ज़रूर यू नो इस वीडियो के नीचे वीडियो के पिंड कमेंट में मैंने इस यस सारी डिटेल्स डाली हुई है, तो कोशिश कीजिए कि आप यू नो वहाँ पर जाकर पूरी डिटेल्स चेकआउट करें क्लास की और जल्दी से रजिस्टर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, मेरे चैनल से सब्सक्राइब रखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी आप मुझे बताना चाहते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अब जस्ट इन केस अगर आपने ये दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था जहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो व्यक्ति है यू नो ये बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू है, जहाँ जगह जगह पर जाकर झगड़ा करते हैं, लोगों के बीच में झगड़ा करवाते हैं, जिस ग्रुप में ये हैं जिन दोस्तों के साथ ये घूमते रहते हैं उनके बीच में भी हमेशा ये झगड़ा करवाते हैं, तो अगर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट आपने किया है तो आप यू नो इस व्यक्ति को ज़्यादा समझना चाहते हैं, इनके साथ कैसे डील करना है, कैसे आप इनके साथ रिलेशन संभाल सकते हैं ये आप जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास यू नो है ये कार्ड। सी अगर आप आंखें बंद कर लेंगे जो हो रहा है, राइट, क्या हो रहा है यहाँ पर, लड़ाई झगड़ा करवाया जा रहा है जो ये व्यक्ति कर रहे हैं, बट अगर ये जो सच्चाई जो हो रही है इससे अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे, अगर आप अपना ये सच्चाई से मुंह छुपा लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो सच्चाई नहीं हो रही है, राइट। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, आपके आसपास के लोगों के साथ कुछ हो रहा है, ये व्यक्ति जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर यू नो चाहेंगे कि इस सिचुएशन को बेहतर बनाया जाए। अब यू नो अगर ये सिचुएशन को बेहतर बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपको प्रेम पूर्वक इस व्यक्ति के साथ डील करना है, इस व्यक्ति के साथ अप्रोच करके इनके साथ बात करनी है। क्या बात करनी है, आप इनको ये बता सकते हैं कि इनका ऐसा स्वभाव है कि जहाँ पर इनके आसपास के लोगों के साथ इनका झगड़ा हो जाता है। अब यू नो नॉट नेसेसरी कि ये व्यक्ति हमेशा ऐसे ही इंटेंशन से लोगों के बीच में झगड़ा करवाने के लिए ऐसा करते हैं, राइट। कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, कभी कभी किसी का ऐसा माइंडसेट होता है कि वो जो कर रहे हैं उसके ऊपर उनका मतलब उतनी सभानता भी नहीं है कि उनको रियलाइज़ हो के उनकी वजह से झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उनके साथ प्रेम पूर्वक बात करके आपको इनको बताना है। अगली बात है ओरैकल कार्ड से हमें यहाँ पर कुछ जानना है कि व्हाई एग्जैक्टली दिस इज़ हैपनिंग। अब यू नो ये जो कार्ड हमें बता रहा है, दिस कार्ड इज़ एक्चुअली टेलिंग ए रिलेशनशिप के पैटर्न्स, ये जो इनके अंदर रिलेशनशिप के पैटर्न है ये पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं। सो पास्ट लाइफ में इनके साथ ऐसा कुछ हुआ था कि जिसकी वजह से इनका प्रेजेंट में ऐसा रिलेशनशिप हैंडल करने का पैटर्न बन गया है कि सबके साथ ये झगड़ा करवाते रहते हैं,
या फिर ये जहाँ पर जाते हैं झगड़ा हो जाता है लोगों के बीच में, ठीक है। तो इसके लिए ज़िम्मेदार इनकी पास्ट लाइफ है। और अगली बात जो आपको इनके इनको बतानी है, राइट, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो व्यक्ति है आपको इनको प्रेम पूर्वक अप्रोच करना है, प्रेम पूर्वक अप्रोच करके आप इनके साथ क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये कार्ड बताता है द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। तो जो जो सच्चाई है वो सिर्फ प्रेम है। तो ये व्यक्ति को आपको बताना है कि उनके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, कौन से लोग इम्पॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति इतने ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी वजह से ये डील नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके इनके लिए हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए जहाँ पर ये जाते हैं शायद ये झगड़ा कर, मतलब जाने अनजाने में इनसे झगड़ा ही हो जाता है। तो आपको इनको बताना है, आप प्रेम पूर्वक इनको अप्रोच कीजिए और आपको इनको बताना है कि इनको जितने लोगों को ये सच में चाहते हैं, जो लोगों के लिए इनके मन में वैल्यू है, उन्हीं लोगों के साथ इनको रिलेशन मेंटेन करना है। जो लोगों की कीमत इनके मन में नहीं है, जो लोग इनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनके साथ रिलेशन मेंटेन नहीं करना है, ठीक है। सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आई होप कि आपको ज़रूरी सलाह मिली। अगर इससे कुछ ज़्यादा आप जानना चाहते हैं, अगर इससे ज़्यादा कुछ आपके मन में सवाल है, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप इसके ऊपर मुझे मैसेज करके हम आपके लिए रीडिंग ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप अगर रीडिंग ज़्यादा चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट करें। और अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू इन्वाइट यू टू माई टैरो कार्ड क्लास एंड माई ओरेकल कार्ड रीडिंग क्लास। अब ये दोनों क्लास इस महीने हो रहे हैं और ये दोनों क्लास इतने बेहतरीन है, इतने ज़्यादा डिटेल्ड है, एडवांस्ड लेवल के हैं, बेसिक और एडवांस्ड इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप ये क्लास ज्वाइन करेंगे, मेरा दावा है कि आप बहुत ज़्यादा इस क्लास को इन्जॉय करेंगे। प्लस ये क्लास में ज्वाइन करने के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा और आप खुद पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं टैरो और ओरेकल कार्ड रीडिंग करके। तो इस वीडियो की पिंड कमेंट में आपके लिए इस दोनों क्लासेस के लिंक्स मैं आपके लिए डाल दूंगी, जहां पर आप वो लिंक चेक कर पाओ और क्लास में रजिस्टर कर पाओ, ठीक है। तो जी हाँ, ज़रूर वो लिंक्स चेकआउट कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहिए, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बाउंड फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आपने ये तीसरा वाला ऑप्शन चुना था कि जो ये व्यक्ति जो है कि ये बुरे कर्म करके भाग जाते हैं, या फिर इन्होंने बुरा कर्म किया है, इनके चाल चलन ठीक नहीं है, इसीलिए सबसे नज़रें चुराते फिरते हैं, ओके। तो ये एक अगली ट्रुथ है कि जो आपके सामने आई है। अब यहाँ पर कुछ और अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं आपको यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टैरो के कार्ड्स आपके लिए निकाल कर रखे हैं, व्हाट आर द रीजंस। अब अगली बात ये है कि इस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा कठोरता से जज किया जा रहा है, ओके, आपके द्वारा भी और दूसरे लोगों के द्वारा भी। तो ये है एक रीज़न के इनको कोई जज कर रहा है, इसीलिए ये शायद लोगों से नज़रें बचाकर भागते हैं। अब जज क्यों किया जा रहा है, इनके कर्म ऐसे तो क्या है कि जो जिसके लिए लोग इनको जज करते हैं, ओके। द रीज़न इज़ देर आर टू थिंग्स। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहले ये अपनी लाइफ के किसी इम्पॉर्टेंट एरिया, किसी इम्पॉर्टेंट क्षेत्र के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये जो इम्पॉर्टेंट क्षेत्र के ऊपर काम हो रहा है, अभी ये काम इतना ठोस नहीं है, अभी वो जो चेंज है पूरा का पूरा चेंज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी सी इनके मन में भी क्लैरिटी नहीं है, ओके। इनकी लाइफ की जिस एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो रिलेशनशिप का एरिया है, हो सकता है कि वो करियर के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर कुछ और कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, बट अभी तक इतनी क्लैरिटी इनको खुद को नहीं मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खुद भी कन्फ्यूज है। और अगर कोई व्यक्ति खुद भी कन्फ्यूज रहने वाले हैं तो वो आपको कैसे क्लैरिटी पूर्वक बता सकते हैं कि भाई हमारी लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग दैट
दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू। और अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स से हमें जानना ज़रूरी है कि यस, इस व्यक्ति को हम कैसे समझें, राइट? बिकॉज अगर किसी के लिए हमने कुछ नेगेटिव नेगेटिव सवाल से हमने जवाब भी पाया, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इस व्यक्ति को कैसे पॉजिटिवली समझें, आध्यात्मिक तौर पर इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, कैसे इसे समझना है वो हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि लिसन विथ योर हार्ट। अब लिसनिंग विथ योर हार्ट मीन्स ये व्यक्ति जब भी आपके साथ बात करते हैं, जब भी ये व्यक्ति आपके साथ बात करते हैं, हो सकता है कि आप इनको ठीक से सुनते नहीं हैं। ये मैंने आजकल इतने ज़्यादा लोगों में देखा है कि वो ठीक से सुनते नहीं हैं, क्लियरली नहीं सुनते और अपने आप ही जज कर लेते हैं। मैसेज में भी अगर आप कुछ लिखते हैं तो मैसेज भी ठीक से नहीं पढ़ा जाता है, और जो भी उनके मन में जो छुपा है वही वो सुन लेते हैं, वही वो पढ़ लेते हैं उस मैसेज में, एंड देन उस मैसेज को 2 या 3 दिन के बाद वापस पढ़ते हैं तो कुछ और ही लिखा आपको पता चलता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, कॉमेंट में मुझे यस ज़रूर कर बताइए, ठीक है? तो ये एक चीज़ है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप इस व्यक्ति को ठीक से सुने, आप इस व्यक्ति को ठीक से समझें और उसी के बाद आप इनके बारे में जजमेंट लें, ओके? दूसरा कार्ड जो हमें यहाँ पर बता रहा है, ये कार्ड है ओरेकल कार्ड है ये, ओके? सो ओरेकल कार्ड ये बताता है कि बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। अब आपको आपके लिए आवश्यक है कि आप प्रेम पूर्वक इस व्यक्ति के साथ डील करें, ठीक है? अब अगर आपने इस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा हार्शली, बहुत ही ज़्यादा कठोरता से अगर जज कर लिया है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रेम पूर्वक इनको पहले तो इनके साथ जाकर बात करें, इनके साथ जाकर सॉर्ट आउट करें कि एग्जैक्टली आपको क्या लगा जिसकी वजह से आपने इनको उतनी कठोरता से आपने इनको जज कर लिया, ठीक है? तो जी हाँ, तो ये है, और जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी था, आपको काम आया और आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको अगर टैरो और ओरेकल कार्ड रीडिंग का गाइडेंस बहुत पसंद आया, टैरो और ओरेकल कार्ड्स दोनों जब साथ में होते हैं इतना पावरफुली काम करते हैं, और टैरो और ओरेकल कार्ड रीडिंग के क्लास इस महीने होने जा रहे हैं, यस लाइव क्लास होने जा रहे हैं, तो ज़रूर इसकी डिटेल्स चेकआउट कीजिए और जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए। इस वीडियो के नीचे पिंड कॉमेंट में, इस वीडियो की पिंड कमेंट में मैं ये डिटेल आपके लिए डाल दूंगी दोनों क्लासेस के बारे में, ताकि आप रजिस्टर कर सकें जल्दी से जल्दी, ठीक है? तो जस्ट चेक इट आउट एंड रजिस्टर एज सून एज यू कैन, ताकि मैं आपके साथ जल्दी से आपको ये अमेजिंग साइंस सिखा सकूं, ठीक है? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye-bye. चलिए, अगर आपने ये ऑप्शन 4th वाला ऑप्शन चुना था, तो इसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो व्यक्ति है कि ये बहुत ही ज़्यादा जिस व्यक्ति को चाहते हैं, जिस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है, उस व्यक्ति को ट्रैप करके रखते हैं, उस व्यक्ति को 4 दीवारी में बंद करके रखते हैं। अब 4 दीवारी में बंद करके रखना नॉट एग्जैक्टली कि घर के अंदर हाउस अरेस्ट में रखते हैं, नॉट नेसेसरी दैट, बट अगर ये व्यक्ति किसी इस पार्टनर को 4 दीवारी में बंद करके रखते हैं, वो हो सकता है मेंटल वॉल्स, ओके? मेंटली ये उनको अपने अपने माइंड की दीवारों में जकड़ कर रखते हैं, जहाँ पर ये अपने पार्टनर को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, जहाँ पर ये अपने पार्टनर को उनका फ्रीडम नहीं लेने देना चाहते हैं। अब आपका सवाल हो सकता है, अच्छा ऐसा क्यों है? ये इनकी कड़वी से कड़वी सच्चाई है कि जो ये आपसे छुपा रहे हैं, अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है? इसका भी हमें जवाब पता होना चाहिए, बिकॉज हमें सिर्फ एक ही पहलू पता हो, किसी सिचुएशन का एक ही साइड पता हो, वो नॉट नेसेसरी कि हमें वही देखना है, राइट? बिकॉज बहुत कुछ हो रहा है कि जिसकी तय तक हमें जाना ज़रूरी है। चलिए अब जानते हैं, यहाँ पर ये दो कार्ड्स आए हैं, सो दिस पर्सन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनका जो पार्टनर है, ये इनको प्यार देते हैं, बट इनके पार्टनर को इनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करना है,
तो सी व्हाट्स हैपनिंग, इनकी जो कड़वी सच्चाई है। तो पार्टनर को प्यार नहीं दे एक्सेप्ट करना है, लेकिन ये पार्टनर को प्यार दिए जा रहे हैं, और जस्ट बिकॉज पार्टनर को इनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करना है, दैट इज़ वाई दिस पर्सन हैज़ अरेस्टेड देम। इनको इनको चार दीवारियों में, मन की चार दीवारियों में या घर की चार दीवारियों में बंद करके रखा है, ठीक है। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि ये जो व्यक्ति है उसे किसी और से प्यार है, ये जो इनके पार्टनर हैं उनको किसी और से प्यार है, किसी और को चाहते हैं, या फिर ये कुछ और करना चाहते हैं कि जो इनको नहीं करवाना है इनसे। ये कुछ करियर का पार्ट हो सकता है, या फिर कुछ और हो सकता है कि जो इनको करना है, जो ये अपने पार्टनर ये नहीं चाहते कि उनके पार्टनर करें, और इसकी वजह से इन्होंने इनको अपनी मन की चार दीवारों में बंद करके रखा है। अब जस्ट बिकॉज हमने थोड़ा सा ये थोड़ी सी हार्श ट्रुथ है, हार्श रियलिटी है कि जो हमने जानी है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें स्पिरिचुअल इंसाइट चाहिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए। वो देख लेते हैं ओरेकल कार्ड्स के द्वारा, ठीक है। तो ओरेकल कार्ड यहाँ पर कहते हैं, सबसे पहली बात जो बताई जा रही है, ट्रेजर योर लव्ड वंस। ओके, ट्रेजर योर लव्ड वंस। अब जस्ट बिकॉज ये आप किसी के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके इतने करीबी नहीं है, या फिर आपकी सुनेंगे नहीं, वो अलग बात है। बट यहाँ पर इस सिचुएशन के ऊपर से, ये जो सिचुएशन आपने सुनी, इससे क्या सीखने को मिलता है? सी, सबसे पहले कार्ड बताता है कि ट्रेजर योर लव्ड वंस। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो आपको उनको ट्रेजर के बराबर, आपको एक खजाने के बराबर उनका ख्याल रखना है, खजाने के बराबर उनकी वैल्यू समझनी है, राइट। और जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं, उसे आप क्यों उनका फ्रीडम नहीं देना चाहेंगे? अगर आप किसी व्यक्ति को चाहेंगे, तो आप डेफिनेटली उनको सारा का सारा फ्रीडम देना चाहते हैं। आप कहेंगे, अच्छा, मतलब उनको फ्रीडम देना मतलब हमें छोड़कर वो चले गए तो किसी और के पास, दैट इज़ लाइफ, राइट। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो व्यक्ति आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। बट अगर कोई व्यक्ति आपको ज़रा भी नहीं चाहते, आपके साथ रहना ही नहीं चाहते, और आप उनको बहला फुसला कर, फंसा फंसा कर अपने पास रखते हैं, तो आप भले उनका उनके शरीर को जकड़ कर अपने पास रख पाएंगे, बट उनका जो दिल है वो आप कभी भी बांध नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये कोशिश कीजिए, आप उस व्यक्ति को जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आप उसकी वैल्यू समझें। तो दिस इज़ द फर्स्ट लर्निंग के जो इस रीडिंग में से आ रहा है। दूसरा लर्निंग जो यहाँ पर है, वो है कि स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। अगर आप ये व्यक्ति से नज़दीक है, ये व्यक्ति आपके करीब के हैं, तो आप डेफिनेटली उनको कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जिससे उनके पार्टनर के साथ रिलेशन सुधर जाए, राइट। तो आप उनको बताइए कि अपने पार्टनर को जकड़े रखते हैं, उससे रिलेशनशिप बेहतर नहीं होगा, लेकिन पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से रिलेशन बेहतर होगा, ठीक है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना मतलब क्या? क्वालिटी टाइम स्पेंड करना मतलब जैसे आप अपने पार्टनर को बाहर घूमने के लिए लेकर जाते हैं, उस टाइम पर आप ना ही मोबाइल के ऊपर टाइम पास करते हैं, ना ही आप दोस्तों के साथ फ़ोन के ऊपर बात करते हैं। आप 100% सारा का सारा टाइम अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और अच्छा सा प्रेम पूर्वक अटेंशन देना है, राइट। हर बार जज नहीं करते रहना, अरे तुमने ये कर दिया, वो कर दिया। अगर घुमाने लेकर गए हैं, साथ लेकर गए हैं, तो अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक उनके साथ बर्ताव करना है, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और सी, यहाँ पर ये वीडियो के द्वारा मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ, मेरा टैरो और ओरेकल कार्ड रीडिंग का क्लास इस महीने हो रहा है। अगर आप करना चाहते हैं, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर जस्ट वेलकम टू ज्वाइन। आपको अगर डिटेल्स चाहिए, तो इस वीडियो के पिंड कमेंट में वो लिंक्स मैं आपके लिए छोड़ दूंगी, कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप सारा का सारा डिटेल चेकआउट कर सकते हैं मेरे क्लासेस, ये दोनों क्लासेस के बारे में। सी, टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स दोनों जब साथ में काम करते हैं, इतना पावरफुल रीडिंग, इतना एक्यूरेट रीडिंग, और इतना स्पष्ट रीडिंग आपको मिलता है, कि उससे ज़्यादा कोई सवाल आपके मन में फिर रहेंगे नहीं, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए ये वीडियो ने आपकी कैसे मदद की, कैसे इस वीडियो को ने आपको क्लैरिटी बताई। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।